फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी प्रॉपर्टी को, यानी कि जैसे कि कोई घर हो गया, फैक्ट्री हो गया, दुकान हो गया, या कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी की सेल और परचेज में TDS का क्या रोल होता है। TDS का क्या रोल होता है किसी भी प्रॉपर्टी के सेल परचेज में। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, हम ये जान लेते हैं कि TDS होता क्या है। बहुत से लोगों को तो यही आइडिया नहीं होगा कि TDS होता क्या है। फ्रेंड्स, सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो TDS कुछ और नहीं, इनकम टैक्स ही है। बहुत से लोगों को मेरी ये बात हजम ना हो कि TDS को इनकम टैक्स बता रहे हैं, सेटिस्फाइड ना हो, तो उनको सेटिस्फाई करना मेरा काम है कि TDS जो है इनकम टैक्स कैसे है। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि इनकम पर लगने वाला टैक्स, इनकम टैक्स। सपोज डेट आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, आपकी सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ है, आपको जो एम्प्लॉयर जो आपको सैलरी देगा उस सैलरी पे आप इनकम टैक्स पे करेंगे। 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जोड़ा जाए तो एक साल के आपके 6,00,000 रुपये बनते हैं। 2,50,000 रुपये तक तो कोई इनकम टैक्स नहीं है, उसके बाद जो भी आपकी इनकम होगी उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा अपनी इनकम पे। एम्प्लॉयर आपको सैलरी दे रहा है, जो कि आपकी इनकम है, उस पर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन इनकम टैक्स के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग यदि आपको एम्प्लॉयर सैलरी दे रहा है तो उसमें पहले ही क्यों ना आपका इनकम टैक्स काट लिया जाए कि आप पता नहीं भरो या ना भरो, क्या पता आप 6,00,000 रुपये सैलरी ले लो उसके बाद इनकम टैक्स ही ना भरो। इसलिए प्रोविज़न ये है कि आपका इनकम टैक्स पहले ही एम्प्लॉयर काट लेगा TDS के रूप में। आपका इनकम टैक्स एम्प्लॉयर काटेगा TDS के रूप में और गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा। तो आपका क्या कटा? इनकम टैक्स। एम्प्लॉयर ने क्या जमा किया? TDS। और वही TDS जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे ना, तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न में आपको रिफ्लेक्ट करेगा। यदि आपकी टैक्सेबल इनकम जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है उससे कम है, तो आप जो TDS आपका कटा था, यानी जो इनकम टैक्स काटा था एम्प्लॉयर ने, उसका आप रिफंड ले लो, उसका आपके पास रिफंड आ जाएगा। तो इसलिए मैंने सीधे और स्पष्ट शब्दों में इसको बोला इनकम टैक्स। TDS एक तरह का इनकम टैक्स ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो जितनी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उस पर आप TDS की जो आपने पहले से कटवा दिया, यानी जो आपके एम्प्लॉयर ने काट दिया है, उसके अगेंस्ट में उसको सेट ऑफ कर सकते हैं या फिर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सपोज डैट आपका TDS कटा 5,000 रुपये, आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनी 8,000 रुपये, तो 5,000 रुपये तो उसमें से लेस होकर 3,000 रुपये आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो एक तरह से आपका इनकम टैक्स ही है, जो कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी देने से पहले ही काट के आपको बाकी की सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी। इसी तरह से यदि आप कोई घर खरीदने जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, कोई दुकान खरीदने जा रहे हैं, तो आप पेमेंट करेंगे। घर ही खरीदेंगे तो आप पेमेंट करेंगे ना, तो पेमेंट कौन करता है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर करता है ना, तो यहाँ पे आप एम्प्लॉयर हैं, आप पेमेंट कर रहे हैं। इनकम किसकी है? जिसने प्रॉपर्टी को सेल किया। किसकी इनकम है? जिसने प्रॉपर्टी को सेल किया। तो यहाँ पे इनकम टैक्स कौन देगा? जिसने सेल किया देगा ना। तो उसी तरह आप एम्प्लॉयर हैं, आपने उसको पेमेंट की, यानी कि उसको सैलरी दी। सपोज डेट आपने उसको सैलरी दी, इनकम उसकी हुई, तो यहाँ पे इनकम टैक्स देगा जो बेच रहा है। और यहाँ पे जैसे कि सैलरी में प्रोविज़न था TDS का, यहाँ पे भी प्रोविज़न है TDS का। और यहाँ पे आप एम्प्लॉयर हैं तो आप TDS काटेंगे। यानी कि जो बंदा किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, जो परचेजर है, वह TDS काटने के लिए लाइबल है, यानी कि उसकी लाइबिलिटी है TDS काटने की। यदि वो TDS नहीं काटेगा तो आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं होगी। आप कहीं सोच रहे हो कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा लें, TDS काटे हैं ना काटे, आप तहसील में जाएंगे जब उसकी रजिस्ट्री कराने या SDM ऑफिस में दिल्ली में जाते हैं रजिस्ट्री कराने के लिए, तो जो तहसीलदार होता है, जो SDM होता है, वो बोलता है भाई TDS का चलान दिखाओ। तो TDS का चलान वो मांगेगा वहाँ पे, तो इसलिए TDS जो है कंपलसरी है। आप सोचे कि बिना TDS काटे ही मैं रजिस्ट्री करवा लूँ, अपने स्टैम्प ड्यूटी पे करूँ, सब काम ख़त्म, ऐसा नहीं है, आपको TDS काटना पड़ेगा। लेकिन TDS के भी यहाँ पे कुछ रूल और रेगुलेशन है, उसकी कुछ लिमिट है, उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, उसकी कुछ थ्रेशहोल्ड लिमिट है, उन सभी बातों को मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, 2013 से पहले किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीद या सेल पे किसी भी तरह का कोई TDS एप्लीकेबल नहीं होता था, क्योंकि प्रॉपर्टी पे TDS का कोई प्रोविज़न था ही नहीं 2013 से पहले।
बट फाइनेंस एक्ट 2013 में TDS को इंट्रोड्यूस किया गया और 1 जून 2013 से TDS को इम्प्लीमेंट कर दिया गया प्रॉपर्टी के सेल परचेज पे। और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी के सेल परचेज पे TDS की एक थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई। यदि आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट 50 लाख से कम है, फ्रेंड्स सुन लीजिए, 50 लाख से कम है तो आपके ऊपर TDS की कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। यानी आप कोई ऐसा घर या कोई ऐसा फ्लैट या कोई ऐसी फैक्ट्री खरीदने जा रहे हैं जिसकी कीमत 50 लाख से कम है तो आपको TDS नहीं काटना। और यदि उसकी कीमत 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको 1% की दर से TDS काटना पड़ेगा। यानी आप पेमेंट जो करेंगे सेलर को उसका 1% TDS आपको काटना पड़ेगा और गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। सपोज डेट यदि आपने कोई फ्लैट खरीदा 60 लाख रुपये में, तो 60 लाख रुपए में 1% TDS काटेंगे, 1% हुआ 60,000 रुपये। 1% TDS काटेंगे और 1% TDS को आप गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करना पड़ेगा और सेलर को आप देंगे 59,40,000 रुपये। और TDS का चलान जो जनरेट होगा उसको आप लेके जाएंगे, जब आप रजिस्ट्री कराने के लिए जाएंगे रजिस्ट्रार के ऑफिस में या फिर तहसील में जाएंगे तो उस चलान को आपको अपने साथ लेके जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर चेक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो आपने 60,000 रुपये काटे हैं उसको आप टाइम पर जमा कर देना, नहीं तो ये 60,000 कब 70,000 हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। TDS में आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता भी होना चाहिए यदि आप दिल्ली से हैं या फिर इंडिया में किसी भी जगह से हों। TDS की लाइबिलिटी पूरी इंडिया में एक जैसी है, यानी किसी भी प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त पे आपको TDS की लाइबिलिटी बनती है यदि उसकी कीमत 50 लाख या 50 लाख से ऊपर है तो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में ऐसा है, पूरे इंडिया में एक ही रूल है। तो फ्रेंड्स जो बात मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से सुन लीजिएगा, नहीं तो परेशानी आपको होगी। सपोज डैट आपने कोई फ्लैट खरीदा 60 लाख रुपए में और उस फ्लैट को खरीदा आपने 25 जुलाई को। खरीदने से मेरा मतलब ये नहीं कि रजिस्ट्री कराई, आपने उसकी पेमेंट की 25 जुलाई को, क्योंकि आपको पता ही है कोई भी हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी 100% पेमेंट हमें रजिस्ट्री से पहले देनी पड़ती है। तो उसकी पेमेंट की हमने 60 लाख रुपए, यानी 60 लाख की पेमेंट करनी है 25 जुलाई को। और उसके बाद हम रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो उससे पहले हमें उसका TDS का चलान जमा करना पड़ेगा 60,000 रुपये। 60,000 रुपये काट के बाकी की पेमेंट हम 59,40,000 रुपये हम उस सेलर को दे देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। 25 जुलाई को हमने पेमेंट की तो हमने TDS भी काटा 25 जुलाई को और उस TDS का अमाउंट मुझे अगले महीने यानी कि 31 अगस्त तक मुझे जमा कर देना है। यदि मैंने जमा नहीं किया तो हर महीने 1.5% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। बहुत लोग सोचते हैं TDS तो काट लिया जमा करते रहेंगे, लोगों को पता ही नहीं रहता। इसमें एक कंडीशन और है, आप ध्यान से समझिएगा बिल्कुल इसको। दूसरी कंडीशन यह है कि सेलर और परचेजर में एक एग्रीमेंट बना कि भाई 60 लाख रुपये का मैं ये फ्लैट खरीद रहा हूँ लेकिन मैं आपको पेमेंट करूँगा 9 महीने में, 3-3 महीने गैप पे 20-20 लाख रुपये आपको मैं देता रहूँगा और पेमेंट 9 महीने में पूरी हो जाएगी और पूरी होने के बाद मैं रजिस्ट्री कराऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपका एग्रीमेंट टू सेल बना 15 जनवरी को, 15 जनवरी को आपने पेमेंट कर दी 20 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद 15 जून का टाइम आता है, 15 जून को भी आपने 20 लाख रुपए जमा कर दिए। उसके बाद सितंबर में आप 20 लाख रुपए देने जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि 20 लाख रुपए पे TDS काट देता हूँ सीधा 60,000 रुपये और 19,40,000 रुपये दे देता हूँ। आपने 60,000 रुपये काट ली TDS लेकिन वहाँ पे आपको 60,000 रुपये जमा नहीं करने, आपने जो पहला 20 लाख रुपये काटा था ना, पहली जो 20 लाख रुपये की पेमेंट की थी वहाँ पे ही आपको TDS काटना चाहिए था। सपोज डेट आपने 20 लाख रुपये दिए वहीं पे आपको 1% TDS काटना चाहिए था 20,000 रुपये और उसकी पेमेंट अगले महीने तक कर देनी चाहिए थी, यानी नेक्स्ट मंथ उसके लास्ट डेट तक कर देनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 25 जुलाई को TDS काटा तो 31 अगस्त तक कर दो, 15 जनवरी को काटा तो 28 फरवरी तक कर दो। तो आपको जो आपने पहली पेमेंट दी थी वहीं पे आपको TDS काटना चाहिए था, ये नहीं कि जब आप फाइनल पेमेंट कर रहे हैं तो आप TDS काटे। यदि आपने 60,000 रुपये फाइनल पेमेंट के समय काटे तो जो आपने जो 20 लाख रुपये पेमेंट की थी ना उस पे जो 20,000 रुपये TDS बनता है उसका इंटरेस्ट आप जनवरी से लेके सितंबर तक का पूरा इंटरेस्ट देंगे। आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि हमने TDS तो अब काटा है, अब 60,000 रुपये काटो और जमा कर दो, ख़त्म कहानी। ऐसा नहीं,
आपको 20 लाख रुपए जो आपने दिया था वहां पे, उस पर 20,000 रुपए TDS कट बनता है, उसका इंटरेस्ट आपको सितंबर तक का देना पड़ेगा। दूसरा जो आपने दिया था जून में 20 लाख रुपए, उसका इंटरेस्ट जून से लेकर सितंबर तक का देना पड़ेगा। इसलिए फ्रेंड्स, यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसको पेमेंट आप अलग अलग मंथ में देते हैं, तो हर मंथ में उसका 1% TDS काटिए और डिपॉजिट करिए। 4 किस्तों में करते हैं, 5 किस्तों में करते हैं, उसका चलान जनरेट होता जाएगा। 5 चलान जनरेट कर लेंगे यार, 2 मिनट का खेल है चलान जनरेट करना, बहुत टाइम नहीं लगता, 2 मिनट का खेल है TDS जमा करना। चाहे आप किसी इंडिविजुअल से खरीद रहे हैं या फिर किसी DDA से खरीद रहे हैं, सपोज डेट, चाहे आप किसी इंडिविजुअल पर्सन से खरीद रहे हैं कोई फ्लैट या फिर DDA से खरीद रहे हैं, TDS तो आपको हर हाल में काटना ही पड़ेगा, यदि आपका जो डीलिंग अमाउंट है 50 लाख से ज़्यादा है तो। तो DDA केस में भी जिन लोगों के 50 लाख से ज़्यादा पेमेंट करनी है, उनके जो अलॉटमेंट लेटर या फिर जो डिमांड लेटर आया होगा उसमें TDS के एक अमाउंट लिखा होगा, उस TDS के अमाउंट को आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा और जो उसका चलान जनरेट होगा उसको आपको DDA के पोर्टल पे अपलोड करना होगा। उसमें जो आपको रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो दे रखे हैं वहाँ पे आपको TDS के चलान का भी ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे उसको आपको अपलोड करना है। तो बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे सर TDS के बारे में बता दीजिए कैसे होगा क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो मैं आपको डिपॉजिट करना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कल की वीडियो आपको मिलेगी जिसमें मैं आपको TDS का चलान डिपॉजिट करना सिखाऊंगा। मैं आपको उसका एक एक स्टेप बताऊंगा कि किसमें किस कॉलम में क्या आएगा, कैसे आएगा, सब चीज़ें वहाँ पर बताऊँगा आपको मैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने भी TDS काटा है या फिर जिनके डिमांड लेटर में TDS लिखा आया है, TDS उनको जमा करना पड़ेगा, तभी आपको पोजेशन लेटर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, क्योंकि TDS कंपलसरी है। और TDS कैसे डिपॉजिट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आपको ये समझना था ना TDS है क्या, कैसे है, क्या है, सब चीज़ें क्लियर तो होनी चाहिए ना। जरूरी थोड़ा DDA से ही मकान ले रहे हैं, किसी और से भी तो ले सकते हैं, इन फ्यूचर किसी से लेंगे, उसको पेमेंट आप किस्तों में कर रहे हैं, तो पता तो होना चाहिए नहीं TDS का क्या रूल है। चलो यहाँ पर तो आपने DDA को लमसम अमाउंट एक बार में आप दे रहे हैं, लेकिन TDS 50 लाख से ऊपर की डीलिंग में TDS की लाइबिलिटी आती है परचेजर के हैंड पे, सेलर को कुछ लेन देना नहीं है, परचेजर को TDS काट के जमा करना है। TDS डिपॉजिट करने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पैन कार्ड होना चाहिए, सेलर का भी परचेजर का भी, बस नथिंग एल्स। अदरवाइज TDS के लिए 10 नंबर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो अदर केस होते हैं, जैसे कि सैलरी हो गई, कोई कॉन्ट्रैक्टर हो गए, कोई प्रोफेशनल चार्जेस हो गए, वहाँ पे 10 नंबर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे 10 नंबर होता है, तो 10 नंबर के अगेंस्ट में उसमें TDS की रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। इसमें रिटर्न उटर्न फाइल कुछ नहीं करनी है, इसमें सिंपल TDS जमा कर देना है। तो सिर्फ पैन नंबर की ज़रूरत होगी, फर्स्ट पार्टी और सेकेंड पार्टी, यानी कि सेलर और परचेजर दोनों के पैन नंबर की ज़रूरत होगी, और TDS जमा हो जाएगा। जिन लोगों के फ्लैट की कीमत 50 लाख से ऊपर है, DDA का आपको अलॉटमेंट लेटर मिला होगा यानी डिमांड लेटर मिला होगा, तो वहाँ पे TDS आपका लिखा होगा, और डिमांड लेटर में सबसे ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे आपको DDA का पैन नंबर, DDA का GST नंबर, दोनों चीज़ लिखी होगी। तो आपको कैसे आपको TDS जमा करना है वो मैं आपको बताऊँगा, सारे स्टेप आपको समझाऊँगा। आप नेट बैंकिंग के थ्रू उस TDS का अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हैं और अपना TDS का चालान जनरेट करके उसको DDA के पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। नेक्स्ट वीडियो क्या, कल की ही वीडियो में मैं आपको TDS का चालान भरना सिखाऊंगा, उसके बाद ही मेरी कोई और वीडियो आएगी, क्योंकि आप तो जानते हैं जो चीज़ मैं करता हूँ उसको कंप्लीट करके ही छोड़ता हूँ। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ वो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।